हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। चूँ मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के चैप्टर का हम पढ़ेंगे तो ये है आपका ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स एंड फिगर मैट्रिक्स। अच्छा देखिए, मेरा जो QR कोड है ना वीडियो के लास्ट में, बहुत से लोग उस पे करते हैं, तो मैं जो भी लोग पे करते हैं मैं उनके नाम आपको ज़रूर बताऊंगा पेपर में। चलिए तो आज मैं एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो जिन्होंने मुझे पैसे सेंड किए थे, और मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। बस एक मिनट, देखिए इनका नाम है मिस्टर दिलीप समल जी। तो दिलीप समल जी की जो बेटी है, इनकी जो बच्ची है, ये क्लास 5th में है और इन्होंने मुझे 200 रुपीज़ पे किए थे गूगल पे पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर दिलीप समल जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी हेल्प की। चलिए तो आप भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। QR कोड मेरा लास्ट में है वीडियो के, आपको मैं दिखा दूंगा। और मिस्टर दिलीप समल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी बेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 का मल्टीपल 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 11 16, 3 17, 3 और 23 है, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल 20 होता नहीं, 3 का मल्टीपल 62 होता नहीं, 19 नहीं होता, क्या होता है 18, तो यहाँ पे आएगा 18, 3 6 18। तो देखिए 3 का मल्टीपल ये है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यों होगा? देखिए इन सभी में जो भी लाइनें आपकी बनी हुई हैं वो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई हैं। किससे बनी है? स्ट्रेट लाइन से। और देखिए यहाँ पे एक कर्व लाइन है, यहाँ भी कर्व लाइन है, यहाँ भी कर्व लाइन है, ये भी कर्व लाइन है, यहाँ पे भी कर्व लाइन है, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी क्या है? स्ट्रेट लाइन वाली फिगर हैं, स्ट्रेट लाइन फिगर्स हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आते हैं 3 नंबर पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है और दो लाइन है, दो लाइन यहाँ पे भी है, तो हमें ऐसा ही फिगर खोजना है। तो सर्कल है, ट्रायंगल और दो लाइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं हाउ मेनी ग्रुप ऑफ 6 बॉय का ग्रुप बनाना है, फॉर्म फ्रॉम द गर्ल्स। देखिए ये सभी गर्ल्स दे रखी हैं, तो क्या बॉय का कोई ग्रुप बनेगा? बॉय का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें बॉयज़ हैं ही नहीं, सिर्फ लड़कियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होगा? ऑल गर्ल्स नो बॉयज़ फाउंड। अगला 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस ग्रुप में 25 आएगा? तो देखिए इसमें आएगा कैसे? सी में। कैसे? 5 10, फिर 20, फिर 25। 25 होगा कहाँ पे? आएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 नंबर पे कौन सा इसमें फिगर है जो ग्रुप एक्स से रिलेटेड है? तो ग्रुप एक्स से रिलेटेड फिगर जो है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों? देखिए यहाँ पे दोनों फिगर सेम है, ये दोनों फिगर सेम है, तो ये दोनों फिगर भी आपके यहाँ पे सेम होंगे। बाकी यहाँ पे दोनों डिफरेंट फिगर हैं, यहाँ भी डिफरेंट है और यहाँ पे भी आपका डिफरेंट फिगर है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है? यहाँ पे बीच में राउंड होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन मेरे कह रहा है कि 7 में एक्स ग्रुप से कौन रिलेटेड है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सब इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर में जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 2 4 6 8। अगर ये नंबर आपके यूनिट प्लेस पे आते हैं तो नंबर क्या होता है? इवन नंबर। तो इवन नंबर आपका क्या है? ये है। बाकी ये ऑड नंबर है 13, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ऑड नंबर में देखिए क्या होता है? ऑड नंबर पे यूनिट प्लेस पे क्या आता है? यूनिट प्लेस पे आपका आता है 1 3 5 7 9, तो 1 7 3, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होगा? सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कौन सा आएगा? तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? देखिए ये फिगर डिफरेंट है, अंदर का फिगर डिफरेंट है, बाहर का फिगर अंदर के दोनों डिफरेंट है, ये दोनों फिगर डिफरेंट है। और यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी जो है, ये भी दोनों फिगर बाहर और अंदर के फिगर डिफरेंट है। यहाँ पे सेम फिगर है,
यहाँ पे भी सेम फिगर है, यहाँ पे भी सेम फिगर है, तो ये तीनों नहीं होंगे, डिफरेंट फिगर होना चाहिए दोनों, तो हो जाएगा डिफरेंट। नाइन नंबर, नाइन नंबर में क्या क्या है, कितने पाइन एप्पल हैं, इसको हमें फोर पाइन एप्पल के ग्रुप में रखना है, तो कैसे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए 18 हो गया, 18 हो गया ना, क्वेश्चन ने पूछा है कि चार का ग्रुप बनाने के बाद कितने पाइन एप्पल बच जाएंगे, तो फोर से इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 4 जाए 16, तो कितना बचा, 2। तो देखिए 4 का तो ग्रुप बन जाएगा, लेकिन दो एप्पल, दो पाइन एप्पल बच जाएंगे, तो यही पूछा था कितने बच जाएंगे, तो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पे कौन सा फिगर यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, नॉट लिखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखिए जो फिगर बना वो अंदर वाले फिगर सेम है, तो अंदर वाले फिगर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, यहाँ पे 5 ग्रुप ऑफ पैरट का आपको बनाना है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है, और 20 को कितने का ग्रुप बनाना है, 5 का ग्रुप बनाना, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 4 20, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला 12 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे जो कलर है ना, कलर कॉम्बिनेशन सेम है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये वाला फिगर आएगा, और यहाँ पे कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर 7 है, तो यहाँ पे भी 7 फिगर वाले आपके आएंगे बॉक्स, तो ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि किससे 30 बिलोंग नहीं करेगा, तो देखिए 5 10 15, तो 25, यहाँ पे 30 ये भी आएगा, 3 6 18 15, तो 3 का टेबल चल रहा है, 18 21 24 27 30, इसमें भी आएगा 30, और 6 4 जो 24, 6 5 तो 30, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, 16 24 28 32, तो यहाँ पे कौन से पे, इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन डी में नहीं आएगा। क्वेश्चन 14, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 कुकीज़ जो हैं, 6 कुकीज़ का ग्रुप हमें बनाना है, तो पहले हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 को 6 का ग्रुप बनाना है, तो 2 6 से डिवाइड करें, 6 2 2 12, तो कितना ग्रुप बनेगा, 2, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा बिलोंग एक्स से करेगा, तो देखिए अभी इसका आंसर होगा ए। कैसे, देखिए ये ऑड नंबर है, बाकी इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर में मैंने क्या बताया कि क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8, और ऑड में क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे जो ऑड नंबर है, देखिए सब ऑड नंबर है, 5 3 1 1 3, तो यहाँ पे भी ऑड नंबर, इसका आंसर हो जाएगा जो नंबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 95, ये सब क्या है, ऑड नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो मेरा QR कोड है, आप इसे स्कैन करके जो भी पैसे सेंड करना चाहते हैं, जो भी मेरी हेल्प करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं, और जो भी लोग पैसे सेंड करते हैं उनके नाम मैं वीडियो में सबसे पहले लेता हूँ। एंड फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।